हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आज आपके सामने एक हाफ केजी का चॉकलेट केक लेकर के आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस केक को हमने कैसे घर पर तैयार किया है और एक परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैंने इंग्रेडिएंट्स को डिस्प्ले बोर्ड में शो किया है। इस केक को बनाने के लिए मैंने पहले केक प्रीमिक्स को बेक कर लिया है कढ़ाई में और इसे 3 लेयर में मैं कट लगा रही हूँ और इसे मैंने 3 लेयर में कट लगा लिया। आप देख सकते कितना जालीदार स्पॉन्ज हमारा रेडी हुआ था और यहाँ एक हैंकी को मैं बिछा ले रही हूँ ताकि मेरा केक बोर्ड इधर उधर खिसके नहीं। और केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करने के बाद यहाँ अपने केक स्पॉन्ज के पहले लेयर को मैं प्लेन वाटर से सोक करने के बाद इसे क्रीम से कवर कर रही हूँ। यहाँ दोस्तों मैं जो भी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ अपनी केक मटेरियल में, जो भी मटेरियल का इस्तेमाल करती हूँ वो मैं डिस्प्ले बोर्ड में शो करती हूँ आपके सामने ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो केक को तैयार करने में। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ मैंने चॉकलेट सिरप जो इस्तेमाल की वो हर्शिस की है। आप इसके जगह चॉकलेट गनाश घर पर तैयार करके दे सकते हैं पर मेरे पास अभी टाइम कम था इसलिए मैंने सिरप का इस्तेमाल किया है। और हमारी घर पर बनाई हुई चॉकलेट गनाश काफ़ी टेस्टी होती है तो कोशिश करें कि हम घर पे, अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आता है तो आप ढेर सारा गनाश बना करके उसे फ्रिज कर सकती हैं ताकि कभी भी इमरजेंसी ऑर्डर आए तो आप तुरंत से झटपट तैयार करके केक को दे दें। कोई भी केक तैयार करने के लिए फ्रेंड्स हमें 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं क्योंकि पहले बेकिंग प्रोसेस होता है, फिर उसको ठंडा करना होता है, उसके बाद फिर जब हम स्पॉन्ज को तैयार करते हैं तो फ्रॉस्टिंग करने के बाद हमें फ्रीज भी करनी होती है ताकि सेट हो जाए हमारा केक अच्छे से। तो 2 से 3 घंटा कम से कम आपको लग ही जाएगा, चाहे आप हाफ के जी का बनाएं या 2 केजी का बनाएं, तो डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना साफ है। यहाँ मेरा केक अच्छे से क्रीम से कवर हो गया है और मैं फाइनल लेयर को इसमें सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है घर पर किसी भी फ्लेवर का केक तैयार करना। और कोई भी कस्टमाइज केक जब हम तैयार कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा मेज़रमेंट परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि होम बेकर के लिए थोड़ी सी ये हो जाती है प्रॉब्लम कि हम जब मेज़रमेंट नहीं करते हैं तो ऑर्डर जितने का आता है उससे ज़्यादा हमारा केक तैयार हो जाता है। और जब आप इस केक को घर पे बनाएंगे दोस्तों तो आपको खुद ही महसूस होगा कि अगर मार्केट में हम लेने जाते हैं तो हमें हाफ केजी का ही मिलता है पर जब हम किसी से ये ऑर्डर घर पे लेते हैं तो उसे हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के देते हैं, कभी 700 ग्राम तक भी चला जाता है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो एक एक चीज़ों का केक को तैयार करते समय ही केक को वेट करते जाएं कि कितना वेट हुआ है तो इसे आपको एक परफेक्ट मेज़रमेंट का पता लग जाएगा। और आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ नई कार्ड स्क्रैपर है जिससे मुझे बहुत ही मज़ा आता है अपनी केक क्रीम के साथ खेलने में, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। डिफरेंट डिज़ाइन है इसमें, बेहद ही प्यारा सा कार्ड है। इसे अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा इसका लिंक, आप मंगा सकते हैं इसे ऑनलाइन। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन निकल के आया है और आप इसे टॉल केक बना सकती हैं। ये तो मेरा सिर्फ 1/2 केजी केक है और इससे काफ़ी बड़े बड़े केक को आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो बहुत खुश होती हूँ अब छोटी छोटी चीज़ों को खरीद के। तो अगर आप भी बेकरी पसंद करते हैं, बेकिंग पसंद करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती होगी। यहाँ मेरा केक तैयार हो गया है और इसे मैं आज एक अलग ही टेक्सचर डिज़ाइन देने वाली हूँ जिसमें कोई मेहनत नहीं लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा निकल के आएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने सिलिकॉन ब्रश से डिज़ाइन तैयार कर ली है टॉप लेयर में, आप देख सकते हैं इसे सिर्फ गोल गोल घुमा देना है। और यहाँ मैंने चॉकलेट अरोमा लिया है और इस तरह से मुझे ब्रशिंग करनी है, देख सकते हैं कितना प्यारा सा डिज़ाइन है। पर मेरा मूड तो इसे चेंज करने का है और इसे मैं पूरा ही फील कर दूंगी।
और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये की वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह मैं आपके सामने हाजिर होंगी एक नई केक वीडियो के साथ। यहाँ मैंने चॉकलेट गनाश थोड़ा सा लिया हुआ था पाइपिंग बैग में, ये सेट हो चुका है, जिससे मैं नाम लिख रही हूँ बर्थडे गर्ल का। और मेरा केक बिल्कुल ही रेडी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, मेरे साथ ज़रूर साझा करें अपने इस एक्सपीरियंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।